Hello everyone, welcome to our series on Hack to Crack NDA Examination. I am sure you have watched my earlier videos. अगर आपने वो videos देखे हैं तो वो आपका जीवन बदल देगा और आपको NDA exam clear करने में बहुत मदद करेगा. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, a very important issue about NDA written exam के बारे में बातचीत करने वाले हैं. इस वीडियो को आप पूरा देखें और आखिर तक देखें. ये जो हम आज बात करेंगे ये मैथ्स पेपर के बारे में करेंगे और मैथ्स पेपर को किस प्रकार से तैयार करना है कम से कम समय में, जिससे कि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें. एज यू आर ऑल अवेयर दैट एनडीए एग्जाम में दो पेपर्स होते हैं, मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी का. और ये आप मान के चलें कि मैथमेटिक्स का पेपर क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है. मैथ्स 300 मार्क्स का होता है और ये माना जाता है कि इसमें 12th लेवल के सिलेबस तक आ सकता है. सिलेबस आप लोगों ने जरूर मेरी प्रीवियस वीडियो में, जैसा मैंने बताया था, आपने डाउनलोड कर लिया होगा और आप अभी तक उस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी ले चुके होंगे. मोस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स पेपर इज बेस्ड ऑन NCERT, बट क्या सिर्फ NCERT पढ़ना सफिशिएंट है? मेरे हिसाब से ओनली NCERT इज नॉट इनफ. हाल के दिनों में स्टैंडर्ड ऑफ मैथमेटिक्स पेपर हैज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली एंड इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. जो आप 2010, 11, 12 के अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो जो जिस प्रकार का पेपर उस समय आता था उसके मुकाबले आज का पेपर काफ़ी कठिन आने लगा है. ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स डू गिव यू ए फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया बट आर नॉट सफिशिएंट टू क्लियर द NDA एग्जाम. पुराने क्वेश्चन पेपर्स से आप जरूर खूब प्रैक्टिस करें, पढ़ें, देखें, उसको आपको आइडिया मिल जाएगा. लेकिन खाली पुराने क्वेश्चन पेपर्स अगर आप सोचें कि वो कर लूँगा और उनके 5 ईयर्स या 10 ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स उठाकर, तो मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है. नाउ कमिंग टू सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू गो अबाउट दिस पेपर. फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्पीड. स्पीड इज अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंट. और उसके लिए मैं आपको एक जो मंत्र बताने वाला हूँ, वो मंत्र बड़ा सिंपल सा है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर प्रैक्टिस. स्पीड के लिए आपको मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैथमेटिक्स का पेपर अटेम्प्ट करने से पहले हमें अगले कुछ दिनों तक डेली मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज को, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि NDA का एग्ज़ाम, खास तौर पर जब मैथमेटिक्स का, इट इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड. यानी कि आपका आंसर क्या आता है वो महत्वपूर्ण है, आप आंसर पर कैसे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ट्रिक इज टू रीच टू द आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल. हाउ यू रीच इट, वेदर यू रिमेंबर द आंसर, वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट, और वेदर इट इज जस्ट ए फ्लूक और ये तुक्का है, पर सही आंसर पर जल्दी से जल्दी पहुंचना हमारे सफलता की कुंजी है. पर उसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली है, वो है कि NDA एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग आपके जो सही क्वेश्चंस हैं उनको नलीफाई कर देगा, उनको उनका जो एफर्ट है वो आपका ख़त्म कर देगा. तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मिनिमम नेगेटिव मार्किंग लें और कम से कम तुक्का लगाएं, फ्लूक लगाएं. इट इज़ बेटर टू लीव विदाउट आंसरिंग देन टू आंसर ए रॉन्ग और टू मार्क ए रॉन्ग ऑप्शन. कमिंग बैक टू द NCERT एस्पेक्ट विच आई वॉज एक्सप्लेनिंग अर्लियर, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करना है. आपने जरूर 11वीं 12वीं 11th और 12th की NCERT के बुक्स को कलेक्ट कर लिया होगा. NCERT बुक्स आर वेरी गुड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट बट आर नॉट गुड एनफ टू क्लियर द NDA मैथमेटिक्स एग्जाम. कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करने में आपकी मदद करेंगे और वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए, पर NDA एग्जाम्स, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, यानी कि आपका आंसर ठीक होना चाहिए कम से कम समय में, इसलिए जरूरी है कि हम
काफी सारे सवालों की, काफी सारे क्वेश्चंस की अपने टाइम में प्रैक्टिस करें। और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगेगा, हमें पता चलेगा कि एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिन्होंने हमें, जिनकी हमने पहले प्रैक्टिस करी है और वही सेम क्वेश्चंस आ गए। तो अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आपका सिमिलर क्वेश्चन है, आपने उसका आंसर पता है, तो आप उसको डायरेक्टली, इफ यू आर लकी, यू कैन जस्ट टिक इट। अगली महत्वपूर्ण बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एनडीए एग्जाम को लेकर है, वो है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रिपरेशन। हमारे मैथमेटिक्स के सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, अर्थमेटिक, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, प्रोबेबिलिटीज, स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और हम शायद हर टॉपिक में उतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते, और खास तौर पर इतने सारे टॉपिक्स और कम समय में अगर हमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है तो बहुत मेहनत की जरूरत है, खास तौर पर नॉन मैथमेटिक्स स्ट्रीम वालों के लिए। उनको तो ऑब्वियसली थोड़ी सी, नॉन मैथमेटिक्स और जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है, उनको तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हमें यह देखना है कि हमारे जो टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं, और जो टॉपिक्स हमारे लिए डिफिकल्ट हैं उनको थोड़ा सा हम बाद में हैंडल करें। सो सेग्रीगेट, प्रायोरिटाइज कि मेरे टॉपिक्स, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वाले कौन से हैं, और जिन टॉपिक्स में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है उनको मैं थोड़ा सा बाद में हैंडल करूंगा या अलग तरीके से हैंडल करूंगा, उनकी टेक्निक भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल विच इज रिकमेंडेड इज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। जो टॉपिक्स मेरे लिए बहुत अच्छे हैं उनके ऊपर मैं वर्क करना शुरू करूं। कुछ एक टॉपिक वाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि वेक्टर्स, ट्रिग्नोमेट्री, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो एक मीडियम लेवल के डिफिकल्टी के आते हैं एंड आर नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट इफ यू वांट टू रियली स्कोर सर्टेन टॉपिक्स लाइक प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी स्कोरिंग। रिवाइज द फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस रिवाइज एंड फॉर्मूला सो दैट इन दीज फोर फाइव टॉपिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज मैनेजिंग टाइम, क्योंकि 2.5 घंटे का समय होता है और 120 मिनट हमारे पास है। देखने में आसान लगता है पर जो टाइम दिया होता है यूपीएससी के द्वारा ये सफिशिएंट नहीं है। सो व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी मेक मोर टाइम? टाइम कैन नॉट बी इंक्रीज बट वी कैन एफिशिएंटली यूटिलाइज द टाइम। पहली चीज, हम उन क्वेश्चंस को हैंडल करने की कोशिश ना करें जिनको बारे में हमें नहीं आता है। हमें सबसे पहले उन क्वेश्चंस को हैंडल करना है जो हम कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हैं या उनको आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग लेंथी कैलकुलेशंस शुड बी डन टुवर्ड्स द एंड और अवॉइडेड। डू नॉट आई से अगेन, डू नॉट टेक ए ब्रेक इन मैथमेटिक्स पेपर। इसलिए आप एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा पानी मत पिए, आपके पास एडिक्वेट राइटिंग मटीरियल हो, और उस टाइम पर जो कि आपका सुबह का टाइम होता है, फुल एनर्जी, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को अटेम्प्ट करें। लास्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज कट ऑफ। 40% इज द सेफेस्ट कट ऑफ, सो यू शुड बी एबल टू एक्चुअली अटेम्प्ट राइट क्वेश्चंस 60, यानी कि आप 50% अटेम्प्ट करेंगे। तो कई बार कुछ यूपीएससी की एरर्स होती हैं, कुछ आपके नेगेटिव क्वेश्चंस निकल जाते हैं, तो कम से कम आप 60 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करके आएंगे तब आप बॉर्डरलाइन केस बनेंगे। इफ यू कैन अटेम्प्ट बेटर एड और मोर, इट इज ऑलवेज इन योर फेवर। अगर आप और ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए ये आपके हित में जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैथमेटिक्स पेपर के बारे में बताया। आज का वीडियो मेरे प्रीवियस वीडियो से थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर देखें आखिर तक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छा करें अपने एनडीए एग्जाम में। जय हिंद।